पटना से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। बिहार सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। गृह विभाग के मोहनिया के एसडीपीओ को सस्पेंड किया है। गृह विभाग ने मोहनिया के एसडीपीओ को सस्पेंड कर दिया है। आरोप ये है कि महिला को अश्लील मैसेज करते थे। एसडीपीओ का नाम फैज अहमद खान है। कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न का इन पर आरोप लगा था। आरोप सही पाए जाने पर प्रथम दृष्टया जो जांच की गई उसमें आरोप सही पाए गए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। अब ये 2 महीने तक पुलिस मुख्यालय में ये फाइल लटकी रही थी, अब इस पर कार्रवाई हुई है। महिला को अश्लील मैसेज भेजते थे ये एसडीपीओ, जिन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया है और 2 महीने तक फाइल लटकी रही, लेकिन आखिरकार अब एसडीपीओ को सस्पेंड किया गया है। कार्यस्थल पर जो महिलाएं मौजूद रहती थीं उन्होंने उत्पीड़न का आरोप लगाया था, अश्लील मैसेज का आरोप लगाया था, जिसके बाद गृह विभाग ने यह कार्रवाई की है। पटना से सहयोगी चंदन जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। चंदन, एसडीपीओ फैज अहमद खान को फिलहाल सस्पेंड किया गया है और महिलाओं के साथ उत्पीड़न का आरोप था, अश्लील मैसेज भेजने का आरोप था, क्या कुछ और अपडेट इस मामले में है? जी देखिए, बिल्कुल, ये बिहार सरकार के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है और मोहनिया के एसडीपीओ थे जिनको सस्पेंड किया गया है। उन पर आरोप था कि महिला सब इंस्पेक्टर को इनके द्वारा अश्लील मैसेज भेजा करते थे और आरोप जो है जुड़न का है, तो तमाम लोगों पे जांच चल रही थी। उसके बाद कल जो है तो कल देर शाम उनसे कार्रवाई की गई है बिहार पुलिस मुख्यालय के तरफ से और महिला ने भी कई आरोप लगाए थे। और हालांकि इस महीने इस मामले में काफी देर हुई है, क्योंकि 2 महीनों तक पुलिस मुख्यालय में जो है फाइल जो है वो लटका रहा, इस कारण काफी देर हुई है, लेकिन देर हुई है दुरुस्त हुई है। कल जो है देर शाम जो है डीएसपी को सस्पेंड कर दिया गया जी। 2 महीने तक लेकिन फाइल अटकी रही और लंबे समय के बाद ये फैसला लिया गया है, क्या आरोप जांच के बाद आरोप ये सही पाए गए या फिर उन्हें एक बार फिर से स्पष्टीकरण देने का मौका दिया जाएगा? जी देखिए, पटन फैसला जो है ये मामला सच्चाई बताई जा रही है और फिलहाल अभी जो है ये मामला जो है अनुसंधान में है और जल्द ही इसकी जांच रिपोर्ट होगी। उसके बाद जो है जो एसडीपीओ है उनके ऊपर जो है विभागीय कार्रवाई हो सकती है। जी शुक्रिया चंदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो आरोप सही पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। प्रथम दृष्टया जो जांच में सही पाया गया है आरोप कि अश्लील मैसेज भेजते थे महिला को, जिसके बाद अब सस्पेंड किया गया है, आगे जांच चल रही है, उसके बाद विभागीय कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। एक ही जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सिस्टम, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।